विदेशी बाजारों में गिरावट के चलते और गुरुपूर्व के मौके पर देश में सोयाबीन और सरसों की अधिक मंडियां बंद होने के बीच दिल्ली तेल तिलन बाजार में मंगलवार को सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल, बिनोला और पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली। दरअसल अमेरिका में 94% तक सोयाबीन फसल की कटाई पूरी हो चुकी है और बुधवार को यानी आज आने वाली यूएसडीए रिपोर्ट में बड़े बदलाव की गुंजाइश कम नजर आ रही है। इसके चलते सोयाबीन और क्रूड ऑयल के दामों में भी कमजोरी देखने को मिली है। इधर ऊंचे दामों पर हाजिर में डिमांड घटने और विदेशों में मंदी आने के कारण स्थानीय बाजारों में खाद्य तेल और सोयाबीन की कीमतों में फिलहाल नरमी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार जानकारों का कहना है कि सरकार का सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात का कोटा निर्धारित करना व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है और इस फैसले के परिणाम स्वरूप बाजार में कम सप्लाई की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे इन तेलों के दाम सस्ता होने के बजाय महंगा हो गए। उनका कहना है कि सरकार को जाड़े में हल्के तेलों की मांग बढ़ाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का शुल्क मुक्त आयात किया है और थोक में 30 से 40 रुपए और खुदरा में 40 से 50 रुपए प्रति किलो अधिक दाम पर बेचा है, उनसे 100% आयात शुल्क वसूल किया जाना चाहिए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि तेल संगठनों को समय समय पर सरकार को तेल उद्योग की समस्याओं से रूबरू कराते हुए सही परामर्श जारी करना चाहिए ताकि तेल उद्योग, आम उपभोक्ताओं और देश के किसानों को कुछ राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।